मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, मैं भी केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, एमएलए बनना बहुत बड़ी बात है, जनप्रतिनिधि आप केंद्रीय मंत्री बन गए हो भाई, आपको गर्व होना चाहिए, मुझे जिंदगी में चांस मिला है तो मैं जनता की सेवा करूँ। आप जनता को जो तकलीफ दे रहे हो, दुखी कर रहे हो, गांव गांव लोग बैठा बेचारा, अधिकांश लोग तो राजपूत समाज के भी हैं, उनको पूछो तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम जातिवाद की बात करते हो और वो घर घर में तड़प रहे हैं बेचारे, किसी के 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए डूब गए लोगों के, कोई सोच नहीं सकता है। महिलाएं रो रही है बेचारी, बूढ़ी बूढ़ी महिला रो रही है, और ये बेशर्म आदमी है, इसको शर्म ही नहीं आती। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं बुला के बात करूँ, भाई मेरी गलती बताई क्या है, वो अपने आप को पाक साफ तो करे, क्या दिक्कत है। SOG के पास जाके बात करता, भाई बताओ मेरा नाम कैसे आ गया, किसने शिकायत करी है, आप बताइए। इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और उसके लिए अमित शाह जी ऐसा नहीं बोले वहाँ पे भरतपुर के अंदर। अगर गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका जो है और कॉर्पोरेट मिनिस्टर के रूप में, तो जिस राजस्थान वो आ रहे हैं, जिस इश्यू बना हुआ है, उसमें पहले उनकी ड्यूटी थी, सब काम छोड़ के उसके ऊपर बोलते हो, जनता को लगता भाई कि गृह मंत्री आए हैं, कॉर्पोरेट मिनिस्टर आए हैं, तो हमारी बात की आवाज वहां तक पहुंच गई है, हमें न्याय मिलेगा, विश्वास तो लोगों बेचारों को। कितने दुखी है, मैं 3 बार उनसे मिला हूं, आप उनसे बात करने में आप खुद भावुक हो जाते हो, तो मैं इसको बहुत गंभीर बात मानता हूं। और आज मान लो यूपी होता तो गजेंद्र शेखावत जेल के शिकारियों बंद होता, तो राजस्थान इसलिए हमारी परंपरा नहीं है, हम चाहते न्याय मिले, न्याय दिखना भी चाहिए, इसलिए SOG हो या पुलिस हो, हमारी कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप चलती है, वरना कभी इसको अंदर धर देते। ये तो जो जो मुजरिम पकड़े गए उसे इक्वल मुजरिम ही है, ये अंदर बंद हो सकते थे, ये सोचना चाहिए।